कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड स्केड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये toppers आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी book follow करनी है, कौन सा chapter पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. Hello everyone, मेरा नाम है प्रियंवदा महाडलकर. इस बार के UPSC Civil Services Examination में मेरा 13वां rank आया है. ये मेरा second attempt था और मेरा optional था sociology. इस video के माध्यम से मैं मेरे experiences, मेरी journey और मेरी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. एंड आई होप कि आपको इससे थोड़ा सा फ़ायदा हो, कोई टिप्स मिले जो आप आपके स्ट्रैटेजी में यूज़ कर सके. शुरुआत में मेरे बैकग्राउंड से करती हूँ. मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ा है VGTI मुंबई से. फिर मैंने MBA किया IIM बैंगलोर से. मेरा टोटल 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में. उसके बाद 2020 में मैंने डिसीजन लिया कि मुझे UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देनी है. तो जैसे ही डिसीजन लिया तभी इमीडिएटली मैं जॉब नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि मेरा एजुकेशन लोन था, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम बचा था रीपे करने के लिए. और मैं तभी इमीडिएटली एक्चुअली मैंने फॉर्म फिल कर दिया था लेकिन मैं पढ़ाई नहीं कर पाई क्योंकि लॉकडाउन शुरू हो गया था, फिर वर्क फ्रॉम होम बहुत ही हेक्टिक फेज था. सो फाइनली जुलाई 2020 में मैंने जॉब छोड़ दिया और उसके बाद मेरी एक्चुअल प्रिपरेशन शुरू हुई. मैं एक मैरिड कैंडिडेट हूँ तो इट वॉज अ डिफ़िकल्ट फेज टू टेक दिस डिसीजन कि कैसे सडनली अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना है, पूरा जो फ्लो था, जो करियर गोल्स थे वो सब चेंज करके ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देने का डिसीजन लिया था. लेकिन इसमें फैमिली का मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला और उन्हीं के हेल्प से मैं ये पूरा पढ़ाई कर सकी. तो ये कहने का मेरा बस यही मकसद था कि जो भी मैरिड कैंडिडेट्स हैं उनको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि ये एक बहुत ही कठिन टास्क है और हम कैसे करेंगे. लेकिन अगर आप प्रॉपरली टाइम मैनेज करें और थोड़ा फैमिली से सपोर्ट मिले तो आप भी डेफिनेटली ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं. तो जो शुरुआत का फ़ेज़ होता है प्रेपरेशन के स्टार्ट में, वो सबसे कन्फ्यूजिंग फ़ेज़ होता है. मेरे लिए भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है. तो इस समय में मैंने टॉपर टॉक्स काफ़ी रेफ़र किए थे. मैं भी सुनती थी यूट्यूब पे बहुत सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के वीडियोस, और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं काफ़ी लोग अपने ब्लॉग्स लिखते हैं, उसमें से आइडिया मिलती है कि कौन से बुक्स रेफ़र करने हैं, कैसे अपना टाइम प्लान करना है, ऑप्शनल कब करना है, ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करना है. बहुत सारे डिसीजन हमें उस समय में लेने होते हैं कि कौन सा ऑप्शनल लेना है, कोचिंग करनी है या नहीं करनी है, दिल्ली शिफ्ट होना है या नहीं होना है. तो वो जो इनिशियल फेज़ होता है मैं समझ सकती हूँ हर कैंडिडेट के लिए बहुत कन्फ्यूजिंग होता है. लेकिन अगर आप अच्छे से सक्सेसफुल कैंडिडेट्स या किसी अगर किसी कैंडिडेट से आप बात कर सके तो उनके एक्सपीरियंस से सीख के आप अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिए. हर कैंडिडेट अलग होता है, हर एक की कैपेसिटी अलग होती है. तो आप अपने तरह जो आपको सूट करता है, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे लेकिन जो आपको सूट करता है आपको वही करना चाहिए. तो मैंने भी ऐसे ही अपनी एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी बना ली. जैसे ही मैंने जुलाई में अपना जॉब छोड़ा, एक्चुअली मैंने जैन में ही फॉर्म फिल कर दिया था प्रीलिम्स के लिए लेकिन कुछ पढ़ा नहीं था. लकीली उस बार प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गई थी. तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था अक्टूबर 2020 में और अगस्त सितंबर, ऐसे 2 महीने थे मेरे लिए पढ़ाई करने के लिए. तो तभी मैंने सोचा कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे देती हूँ, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा. तो उन 2 महीनों में मैंने जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह उसके लिए बुक्स पढ़ना शुरू किया. थोड़े थोड़े चैप्टर्स पढ़े हर बुक में से और मैंने कुछ मॉक टेस्ट भी दिए. प्रीवियस ईयर के 1-2 साल के क्वेश्चन पेपर्स भी देख लिए थे और इस तरीके से मैंने मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट प्रीलिम्स का अटेम्प्ट दे दिया. ऑब्वियसली मैं क्लियर नहीं हुई उस अटेम्प्ट में, लेकिन उस अटेम्प्ट से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला. मुझे पता चला कि कौन से एरियाज है जो UPSC फ्रीक्वेंटली टेस्ट करती है प्रीलिम्स में. और उसके बाद जब मैं एक्चुअली पढ़ने लगी तो मुझे पता था कि कौन से एरियाज पे फोकस करना है. और इस तो फर्स्ट अटेम्प्ट का मुझे इस तरीके से फायदा हुआ. अभी मैं आपके साथ मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी शेयर करती हूँ. सबसे पहले डिस्कस करते हैं बुक लिस्ट. मैंने एंशंट और मिडिवल हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11 की जो बुक आती है वो पढ़ी थी. आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया बुक, उसमें वो भी सिलेक्टिवली कवर की थी, सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े थे, पर्टिकुलरली जो फर्स्ट चैप्टर है और
पेंटिंग, डांसेस, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारे टॉपिक्स मैंने वहाँ से कवर किए थे. और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ये बुक का काफ़ी कवरेज था, ऑलमोस्ट पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ी थी. ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th और 12th की जो NCERT होती है वो पढ़ी थी, और PMFIS के नोट्स है वो काफ़ी यूजफुल थे बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए. काफ़ी बल्की मटेरियल है बट इट इज़ वेरी यूजफुल, और पूरा कवरेज मिल जाता है ज्योग्राफी के लिए उसमें से. एनवायरमेंट के लिए शंकर IAS की जो बुक है वो पढ़ी थी, सिलेक्टिवली पढ़ी थी, पूरी बुक पेज स्टार्ट से एंड तक नहीं पढ़ी थी. और इकोनॉमी के लिए मृणाल सर के जो वीडियोस है वो सुने थे, और उनका जो PDF आता है वो भी पढ़ा था. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए सेपरेट कवरेज नहीं किया था, जो करंट अफेयर्स में कवर हो रहा था वही मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कवरेज था. पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत. और प्रिलिम्स के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है स्टैटिक पार्ट जो हम इन बुक से कवर कर लेते हैं, और दूसरा होता है करंट अफेयर्स. तो करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी कैंडिडेट्स द हिंदू न्यूज़पेपर या द इंडियन एक्सप्रेस, ये दो न्यूज़पेपर्स कवर करते हैं. मैं न्यूज़पेपर रीडिंग में काफ़ी रेगुलर नहीं थी शुरुआत में, तो मैं उसे सप्लीमेंट करती थी विद अ कोचिंग मटेरियल, जो डेली न्यूज़ एनालिसिस टाइप के जो नोट्स आते हैं ऑनलाइन बाय एनी कोचिंग मटेरियल. मैं विजन IAS का न्यूज़ टुडे पढ़ती थी, तो उसमें PIB के न्यूज़ और एग्जाम स्पेसिफिक न्यूज़ कवर हो जाते थे, तो उसका मुझे फ़ायदा होता था. और मंथली करंट अफेयर्स का कोई भी आप एक मैगजीन ले लीजिए, दिस विल सप्लीमेंट योर डेली न्यूज़. और मंथली करंट अफेयर्स में क्या होता है, एक टॉपिक के मेंस पर्सपेक्टिव से थोड़ा कवरेज मिलता है, कि जैसे प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है किसी भी टॉपिक के, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर अगेंस्ट, ऐसे. तो इसके लिए मंथली करंट अफेयर्स का एक मैगजीन कोई किसी भी कोचिंग क्लास का यूज़ करना इंपॉर्टेंट है. मैं विजन IAS का रेफर करती थी. और बिफोर प्रिलिम्स मैंने PT 365 सिलेक्टिवली पढ़ा था, जो टॉपिक्स मैंने पहले नहीं पढ़े हुए थे, कुछ नया है तो वो वाला पार्ट मैं कवर करती थी. और इस एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट सॉल्विंग. अभी आपने जो बुक लिस्ट मैंने दी है और करंट अफेयर्स का कवरेज, ये आप डेली बेसिस पे करते रहते हैं, लेकिन जब तक आप एग्ज़ाम सिचुएशन में आप सॉल्व नहीं करते पेपर्स, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके क्या वीकनेसेस है, कौन से एरियाज में आप लैक कर रहे हैं. तो मॉक टेस्ट सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. प्रीलिम्स के अप्रॉक्सीमेटली 2-3 महीने पहले मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टॉप कर दी थी, ऑप्शनल स्टॉप कर दिया था, और मैं सिर्फ मॉक टेस्ट करती थी. तो मॉक टेस्ट मैंने रफली 50-60 मॉक टेस्ट दिए थे, लेकिन टाइम लगा के एक्चुअल 2 घंटे पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करके OMR शीट मार करके, ऐसे मैंने शायद 30-40 मॉक्स दिए थे सीरियसली. तो मॉक टेस्ट में करना ज़रूरी इस बात के लिए होता है क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स में वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते, कई बार आपको करेक्ट आंसर पे अराइव करना होता है, और उसके लिए ऑप्शंस एलिमिनेट करना, कुछ एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज यूज करके, वर्ड एसोसिएशन, आपको कभी लगता है कि हाँ ये मैंने कहीं पे तो पढ़ा है, तो उसे 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, ऐसे करके आपको करेक्ट आंसर तक अराइव करना है. तो इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, एंड दैट इज़ व्हाई मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. फिर टाइम मैनेजमेंट भी आपको पता चलता है कि क्या आप 2 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं. तो अलग अलग कैंडिडेट्स की अलग स्ट्रैटेजीज होते हैं. कुछ लोग 3 राउंड्स में पेपर सॉल्व करते हैं, मैं 2 राउंड्स में करती थी. तो फर्स्ट राउंड में मैं जिन क्वेश्चंस पे मैं फेयरली कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे लगता है कि हाँ कि ये मैंने कहीं पे पढ़ा है, तो ऐसे क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करती थी. और सेकंड राउंड में जहाँ पे मुझे ऑप्शंस एलिमिनेट करके सोच के थोड़ा सा एनालाइज करके आंसर अराइव करना है, वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी. और प्रीलिम्स के लिए जैसे 2 वीक्स बिफोर प्रीलिम्स मैंने मॉक टेस्ट देना स्टॉप किया था, लेकिन ये एक पर्सनल स्ट्रैटेजी है आपकी. आप बहुत सारे कैंडिडेट्स लास्ट डे तक जस्ट डे बिफोर भी मॉक्स देते हैं. मैंने 2 हफ्ते इसलिए स्टॉप किया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मार्क्स देख के मैं डीमोटिवेट नहीं होना चाहती थी. कई बार जब मुझे लो मार्क्स मिलते थे तो मैं थोड़ी डिप्रेस हो जाती थी, तो इसलिए मैंने 2 हफ्ते पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मैंने रिविजन किया था, फोकस्ड रिविजन किया था. तो फोकस्ड रिविजन के लिए अभी जैसे हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एरियाज हैं, तो इसकी मैंने लिस्ट्स बनाई थी. जैसे कि एनवायरमेंट में नेशनल पार्क्स, रामसार साइट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वगैरह, ऐसे मैंने सारे लिस्ट्स बना के रखे थे. तो वो सारे मैंने रिवाइज किए थे इन 2 वीक्स. और कुछ कोचिंग के मटेरियल्स आते हैं क्विक रिविजन मटेरियल, जैसे विजन का क्विक रिविजन मटेरियल था, इट वॉज वेरी पॉइंटेड एंड वेरी स्पेसिफिक.
तो वो रिविजन के लिए बहुत यूजफुल होता है, और जैसे हिस्ट्री के लिए एक माइंड मैप बन जाता है कि ओके इस डायनेस्टी के बाद ये डायनेस्टी और कौन से सेंचुरी में थे. तो दिस काइंड ऑफ रिविजन वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी इन द लास्ट 2 वीक्स. फिर पॉलिटी के लिए जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो रिवाइज किए थे, फिर मैपिंग थोड़ा देख लिया था. तो ऐसे टाइप के मैंने एक फोकस्ड 2 वीक वाली रिविजन की थी, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस वगैरह पढ़े थे. तो इसका मुझे काफ़ी फायदा हुआ. और एग्जाम डे पे हमें ये याद रखना है कि कॉन्फिडेंस इज द की टू दिस एग्जाम. अगर आप डर गए तो, क्योंकि क्या होता है कि इस एग्जाम में 2 घंटे में आपका डिसाइड होता है कि आपने जो 1 साल की मेहनत की है वो आप मेंस तक लेके जा सकते हैं कि नहीं. तो इसके लिए काम रहना है, क्योंकि क्वेश्चंस तो ऐसे ही आएंगे जो हर बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं कई बार. जैसे हमारे टाइम पे स्पोर्ट्स का एक सेक्शन आ गया था विच वॉज एन अननोन, क्योंकि मैंने नहीं प्रिपेयर किया था. और तो ऐसे सिचुएशन में हमें ये नहीं सोचना है कि अरे क्या होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके लिए टफ है वो बाकी कैंडिडेट्स के लिए भी टफ है. तो हमें बस फोकस करना है कि जो बेसिक्स है वो स्ट्रांग होने चाहिए, ताकि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, जो क्वेश्चंस डायरेक्ट है, वो हमें मिस आउट नहीं करने चाहिए. प्रीलिम्स इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम. तो इसके लिए एक और चीज ध्यान रखनी है कि हमें बस कट ऑफ से कंफर्टेबली मार्जिन से हमें कट ऑफ क्लियर करना है, ना कि हमें फुल मार्क्स लाने की कोशिश करनी है. तो इससे देयर इज नो पॉइंट इन रनिंग बिहाइंड एग्जॉटिक सोर्सेस. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कैंडिडेट्स की ऐसी टेंडेंसी होती है, देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन आया था वो किसी इस बुक से है, कोई अलग सी बुक है, ऑप्शनल की बुक है, हिस्ट्री ऑप्शनल की बुक है. तो मुझे लगता है कि आपको ये याद रखना चाहिए कि मतलब वो जो रिवॉर्ड टू एफर्ट रेशियो है वो ध्यान में रख के हमें बस बेसिक्स पे फोकस करना है, करंट अफेयर्स मिस आउट नहीं करने. तो ये अगर आप बेसिक्स और करंट अफेयर्स को आपके स्ट्रैटेजी के पिलर बनाएंगे तो प्रीलिम्स क्रैक करना इजी हो जाएगा, एंड देन देयर इज नो नीड टू रन बिहाइंड एग्जॉटिक सोर्सेस. ये थी मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी. अभी मैं मेरी मेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करती हूँ. मेंस और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन जो है वो मेरी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन थी स्टार्टिंग से. बुकलिस्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है. तो 2-3 मंथ्स बिफोर प्रीलिम्स जब मैंने मॉक टेस्ट्स लिखना शुरू किया तभी मेंस की प्रिपरेशन स्टॉप की थी. उसके पहले मैंने सिर्फ सिलेबस कवरेज पे फोकस किया था. हमारी जो सिलेबस की कॉपी है उसके हर टॉपिक पे हमारे पास, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हर टॉपिक पे एटलीस्ट 10-15 पॉइंट्स हमारे पास कॉन्टेंट होना चाहिए. इस पर ध्यान दीजिए. तो आफ्टर सिलेबस कवरेज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज आंसर राइटिंग. तो बुकलिस्ट तो मेरी सेम थी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, बस 2-3 बुक्स एडिशनल रेफर किए थे. जैसे GS2 और GS3 के लिए मैंने सोनिया आईएएस के नोट्स रेफर किए थे. तो वो नोटबुक थोड़ी बल्की बुक है, लेकिन उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज, छोटे छोटे केस स्टडीज, वे फॉरवर्ड, कमिटी रिकमेंडेशंस, ऐसे सारा कवरेज किया था. तो उसका मुझे फ़ायदा हुआ, पर्टिकुलरली GS2 के लिए. और हमें स्टैटिस्टिक्स भी चाहिए होता है तो वो भी उस बुक में कवर्ड है. जैसे कि जुडिशियल रिफॉर्म्स हो, पुलिस रिफॉर्म्स हो, तो उसके लिए कुछ स्टैटिस्टिक्स, कितने केसेस पेंडिंग है और कितने वेकेंसीज है, तो वो सारा स्टैटिस्टिक्स मैंने उस बुक में से रेफर किया था. और मूविंग ऑन टू GS4 के लिए, GS4 के लिए मैंने लुकमान आईएएस की कोचिंग ली थी. तो वो ऑनलाइन कोचिंग थी, तो रिकॉर्डेड वीडियोस से मैं पॉज कर करके मैंने नोटबुक्स में नोट्स बनाती थी, और वही नोटबुक्स मेरा बेसिक बेस फाउंडेशन थे एथिक्स के लिए. वो नोटबुक्स मैंने बार बार रेफर किए थे, तो उसी में डेफिनेशंस, एग्जांपल्स कवर हो गए थे काफ़ी हद तक, केस स्टडीज़ भी कवर हो गई थी. तो अभी एडिशनली मुझे जो वैल्यू एडिशन करना था वो मैं कुछ टेस्ट पेपर्स के सोल्यूशंस देख के करती थी और टॉपर कॉपीज देख के करती थी. तो मेंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आंसर राइटिंग. जैसे ही आपका सिलेबस कवर हो जाए, एक बार अगर ऊपर से भी कवर हो जाए, तो आपको आंसर राइटिंग शुरू करनी चाहिए. मैंने वो गलती की थी, मैंने आंसर राइटिंग डिले किया, काफ़ी डिले किया, एंड देन आई हैड टू स्टार्ट इट आफ्टर प्रीलिम्स. तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो 87 डेज का गैप था हमारे लिए, उसमें मुझे आंसर राइटिंग फ्रॉम स्क्रैच शुरू करनी थी. तो वो काफ़ी स्ट्रेसफुल, मेरे लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल पीरियड था. तो जैसे ही मैंने एक मॉक टेस्ट लिखी एक सब्जेक्ट के लिए, मुझे पता चला कि मेरे पेपर्स कंप्लीट नहीं हो रहे. कंटेंट था मेरे पास, बट प्रेजेंटेशन वाज डिसेंट, बट
स्पीड के वजह से आई वॉज नॉट एबल टू कम्प्लीट द पेपर्स, और जब 20-30 मार्क्स अगर आप पेपर छोड़ दे तो कुछ फ़ायदा नहीं है. तो देन आई चेंज माई स्ट्रैटेजी, और जैसे मेन्स के एक महीने पहले 3 घंटे पूरा बैठ के लिखने के लिए टाइम नहीं होता था, तो मैं रात को 70 मिनट लगा के लाइक आई हैड केप्ट अ टाइम बफर ऑफ 7 मिनट्स फॉर एवरी 10 मार्क क्वेश्चन. तो 70 मिनट बैठ के मैं 10 क्वेश्चन लिखती थी, और ऐसे रोज करने से मेरी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ गई. And finally, I could complete all my papers. Mains mein, it is important that you write answers for all the 20 questions that are there for GS. कोई भी question छूटना नहीं चाहिए. और answer writing के कुछ tips होते हैं, वो आप topper copies देख के आपको समझ में आएगा कि कैसे answers लिखने हैं. मैंने शुभम कुमार सर के answers refer किए थे, और लगभग उसी format में और उसी style से मैं लिखने की कोशिश करती थी. उनका हर एक answer मैंने पढ़ा था, जो copies उन्होंने अपने telegram channel पे share की है, उसका मैंने बहुत फ़ायदा उठाया. तो आंसर राइटिंग के लिए मैं इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन यही फॉर्मेट फॉलो करती थी. जो बॉडी है उसमें पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करती थी, और इंट्रोडक्शन काफ़ी सिंपल देना चाहिए. जो भी क्वेश्चन का की वर्ड है उसी का डेफिनेशन देती थी, या फिर पॉलिटी में आप आर्टिकल, अगर कोई क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट पे क्वेश्चन है तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है विच रेफर्स टू द गवर्नर, तो वो आर्टिकल लिख के आपका इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं. और डायग्राम्स हैव टू बी इंक्लूडेड, तो कहीं पे फ्लो चार्ट बना सकते हैं कुछ टैबुलर फॉर्मेट में. अगर आपको एक आंसर के लिए 3 एस्पेक्ट्स अगर बताने हैं तो वो 3 एस्पेक्ट्स आप ऐसे एक टेबल चार्ट बना के बता सकते हैं. ऐसे टाइप के डायग्राम्स आप इंक्लूड कर सकते हैं. और अगर प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर रहे हैं या फिर डिफरेंस बिटवीन 2 एस्पेक्ट्स है तो टेबल फॉर्मेट बना के आप कॉलम 2 कॉलम्स बना के आप लिख सकते हैं. तो ऐसे एक नॉवेल वे होगा अगर आप ऐसे कुछ इंक्लूड करें तो आपके आंसर्स में. और मैप्स, वर्ल्ड हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस वाले जो क्वेश्चन है, और ज्योग्राफी, इसमें मैप्स का बहुत यूज़ कीजिए. कंपलसरी एक मैप, वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप, वो जल्दी से बनाने की पेन से ही ड्रॉ करने की आप आदत डालिए, तो आप फाइनल एग्जाम में भी आप वो इंक्लूड कर सकते हैं. और क्विकली हाईलाइट करना है, बस एकदम डिटेल में मैप नहीं बनाना है, बस क्विकली हाईलाइट करना है जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो रीजन या फिर वो कंट्री, बस वो हाईलाइट करके दिखा दीजिए. तो इससे पता चलता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत होलिस्टिक है. सो इस तरीके से मैंने मैप्स और डायग्राम्स इंक्लूड किए थे. और आंसर राइटिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि टू द पॉइंट आंसर्स दीजिए, ऐसे नहीं है कि पूरा पैरा पैरा बना. वो क्या है कि हम इतना पढ़ते हैं लेकिन जब आंसर्स लिखते हैं तो टू द पॉइंट हमें आंसर्स लिखने होते. प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और वे फॉरवर्ड GS2 और GS3 में पर्टिकुलरली जहाँ पे भी आप वे फॉरवर्ड इंक्लूड कर सकते हैं दैट विल बी अ प्लस पॉइंट. अनदर थिंग दैट यू कैन डू इन आंसर राइटिंग इज करंट और स्टैटिक को थोड़ा लिंक कर दीजिए. जैसे हिस्ट्री के और आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जब आप डिस्क्राइब करते हैं सब कुछ फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, उसमें भी थोड़े डायमेंशंस देने की कोशिश कीजिए कि उस पीरियड में सोसाइटी का कैसे था, वुमेन की पोजीशन कैसे थी. ऐसे अगर आप डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स लाएंगे तो दैट विल एनरिच योर आंसर. और फिर फाइनली आप कुछ करंट से रिलेट कर सकते हैं, अगर वो रीजन या फिर वो प्लेस अगर रिसेंटली न्यूज़ में रही है, अगर उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला है, तो यू कैन राइट दैट इन दैट कंक्लूडिंग लाइन. सो इट शोज दैट यू हैव गिवन अ वेरी करंट एंगल टू योर आंसर्स. तो इसका मुझे लगता है कि फ़ायदा होगा. तो ये थी मेरी मेन्स की स्ट्रैटेजी. मेन्स के लिए मैंने और एक चीज़ की थी जो मुझे लगता है कि इट हेल्प मी गेट अ वेरी एग्जाम स्पेसिफिक प्रेपरेशन लेवल. मैं क्या करती थी कि जो कोचिंग क्लासेस के मॉक टेस्ट होते हैं उनके जो टेस्ट सॉल्यूशंस होते हैं वो मैं डिटेल में पढ़ती थी. उसके वजह से मुझे वैल्यू एडिशन में फ़ायदा हुआ. तो मैंने विजन IAS और फोरम IAS के लास्ट 2 ईयर्स के मैंने पेपर्स, मॉक टेस्ट के पेपर्स एक जेरोक्स सेंटर से ले लिए थे, तो उसमें से काफ़ी कवरेज मिला. टॉपिक्स लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस फॉर एग्जाम्पल. जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने कोई बुक नहीं उठाई क्योंकि काफ़ी बल्की होती है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स मैंने ये टेस्ट, मॉक टेस्ट के सोल्यूशन से ही कवर कर लिया. तो मेन टॉपिक्स सारे कवर हो गए उसमें, जैसे World War I हो, World War II, देन फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अगर आप 2 साल के करेंगे तो ऑलमोस्ट 40-50 क्वेश्चन आएंगे उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, तो उसमें कवरेज मिल जाता है. वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए और एक चीज़ कर सकते हैं कि प्रतीक नायक सर के वीडियोस हैं मृणाल सर के चैनल पे, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं. जैसे मैंने ज्योग्राफी के लिए भी राजतनिल मैम के वीडियो स्टार्टिंग में सुने थे, उससे मेरे कॉन्सेप्ट्स थोड़े क्लियर हो गए थे. तो आप वीडियोस के माध्यम से भी आपके कॉन्टेंट को एनरिच कर सकते हैं.
और मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस पढ़ना मुझे लगता है कि इट हेल्प्ड मी गेट अ वेरी एग्जाम स्पेसिफिक फ्लेवर टू माय प्रिपरेशन और जल्दी से मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थ्रू दोज. और जो पॉइंटेड एकदम एग्जाम्पल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स है स्पेसिफिक टू वन टॉपिक, उससे मुझे फ़ायदा हुआ. और जैसे सेकेंड ARC के क्या रिकमेंडेशंस है, किसी कमेटी के क्या रिकमेंडेशंस है, जैसे वेस्टर्न घाट्स के लिए माधव गाडगिल कमेटी हो या कस्तूरी रंगन कमेटी हो, तो ये सारे पॉइंट्स मुझे मॉक टेस्ट के सोल्यूशन से मिलने लगे और उससे मेरा वैल्यू एडिशन हो गया. अभी मैं मेरी ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे और एथिक्स ये ऐसे टॉपिक्स है जिनमें आप कम पढ़ के हाई स्कोरिंग पोटेंशियल होता है, इसलिए इन दो सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. जैसे ऐसे के लिए मैंने शुरुआत में स्मृति शाह मैम विजन आईएएस की जो फैकल्टी है उनका एक यूट्यूब पे फ्री वीडियो है वो सुना था और उन्होंने उसमें फ्रेमवर्क डिस्कस किया था कि हाउ टू अप्रोच ऐसे राइटिंग. मैंने लगभग वही अप्रोच मेरे ऐसे में भी फॉलो किया था कि जैसे शुरुआत करनी है हमें अपने ऐसे की विद एन इंटरेस्टिंग स्टोरी और एन एनेक्टोट, फिर उसे लिंक करना है टॉपिक के साथ जो ऐसे टॉपिक है वो, और हमें बताना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट ऐसे टॉपिक. इस पे आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, फिर एक लिंकिंग पैराग्राफ लिखना है कि इस ऐसे में मैं क्या क्या डिस्कस करूँगी, कौन से डायमेंशंस डिस्कस करूँगी. ये लिंकिंग पैराग्राफ होने के बाद आप सब हेडिंग्स देके एक एक डायमेंशन डिस्कस कर सकते हैं ऐसे के. तो सब हेडिंग्स भी ट्राई टू मेक देम लिटिल इंटरेस्टिंग. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट बताना, आपने सारे पॉजिटिव्स लिस्ट कर दिए और थोड़ा सा कुछ नेगेटिव डिस्कस करना है, तो आप ऐसे सब हेडिंग दे सकते हैं कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड और एंड देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग. और फिर ये सारे डायमेंशंस कवर, डायमेंशंस तो जनरली कॉमन होते हैं जैसे पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, इस सब चीज़ों में से एग्जांपल्स भी कोट करने हैं आपको. मैं जनरली एक पेज पे दो पैराग्राफ्स लिखती थी, तो दो इन एवरी पैराग्राफ आई यूज्ड टू ट्राई टू गिव वन एग्जांपल, वन कंक्लूडिंग लाइन विच विल लिंक इट टू द नेक्स्ट पैरा. ऐसे में फ्लो होना बहुत इंपॉर्टेंट है. जो शुरुआत में हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं 15-20 मिनट्स के लिए, उसमें वन थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड इज कि कैसे मैं अपने ऐसे का फ्लो बनाए रखूँ. ऐसे नहीं होना चाहिए कि हैपजार्ड है, ये पहले आना चाहिए था ये बाद में आना चाहिए था, वो पहले से ही डिसाइड करके रखिए. और एक लिंकिंग लाइन अगर आप ऐड कर दें अपने ऐसे में, तो इट विल टेक यू बैक टू द मेन, यू विल स्टिक टू द टॉपिक. जो टॉपिक है उससे भटकना नहीं है, उसी टॉपिक के अराउंड आपको लिखना है. तो जो लिंकिंग लाइन है वो ध्यान से यूज करें एंड कीप इट क्लोज टू द टॉपिक. तो the character will also understand that you are not deviating from the main topic of the essay. Conclusion के लिए एक या डेढ़ पेज का conclusion आप लिख सकते हैं, दो तीन paragraphs आएंगे इसमें. और इस conclusion में ध्यान रखना है कि कोई नया idea नहीं introduce करना है. You just have to summarize roughly without using the word summarize. You just have to roughly say what have you covered in the essay that you have written. और essays में quotations, anecdotes बहुत आप freely use कर सकते हैं. मैं दो तीन quotations try करती थी include करने के in the essay. और इसके लिए content कैसे build करना है, तो मैंने सबसे पहले मैंने topper copies download की थी, जैसे अनुदीप दुरी शेट्टी सर का essay, राधिका गुप्ता मैम, विक्रम ग्रेवल सर. और राधिका गुप्ता मैम ने अपने ब्लॉग में प्रतीक सर का भी रेफरेंस दिया है, उनके भी टॉपर, उनके भी कॉपीज मैंने डाउनलोड किए थे. तो बिटवीन प्रिलिम्स एंड मेंस आई यूज टू ट्राई टू रीड एज मेनी एसेज एज आई कुड एवरी ऑल्टरनेट डे और एवरी 2-3 डेज आई यूज टू रीड वन एसे. तो इससे मुझे काफ़ी एनेक्डोट्स मिल गए थे, एग्जाम्पल्स मिल गए थे और मैंने सारे टॉपिक्स भी कवर कर लिए. एक ब्रॉड टॉपिक लिस्ट मैंने बनाई थी अपने लिए कि जैसे एग्रीकल्चर है, टूरिज्म है, हेल्थ, एजुकेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे जो ब्रॉड टॉपिक्स जो कॉमनली आस्ड टॉपिक्स है. वुमेन एम्पावरमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सारे टॉपिक्स उस पर मुझे एग्जाम्पल्स और कोटेशंस मिल गए थे, वो मैंने नोट डाउन करके रख लिए थे. और एसेज के लिए आजकल बहुत सारे फिलोसॉफिकल एसेज आते हैं, तो उसका भी अप्रोच आप पहले से ही डिसाइड कर लें, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए. फिलोसॉफिकल एसेज में एनेक्डोट्स का काफ़ी यूज़ होता है, बिकॉज यू हैव टू एक्सप्लेन फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, आप क्या समझते हैं उस टॉपिक से. तो इसके लिए भरपूर एग्जाम्पल्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कॉन्टेंट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. और कुछ कोचिंग मटेरियल्स भी यूज़ करते हैं, कर सकते हैं आप. जैसे फोरम आईएएस का जो मॉक टेस्ट के लिए वो कुछ जो टॉपिक होता है उस पर कुछ ब्रॉड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, मॉडल ऐसे नहीं बट ब्रॉड कंटेंट होता है, तो मैंने वो भी रेफ़र किया था, इससे मुझे फ़ायदा हुआ. मैंने फाइनली
आई थिंक 4 एसेज प्रैक्टिस किए थे मेंस के पहले, बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस. और मेंस में मैंने 2 टॉपिक्स पे लिखा था ऐसे. वो एक टॉपिक था जो द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल, वो टॉपिक लिया था. और दूसरा टॉपिक था अबाउट समथिंग अबाउट परसेप्शन, उस पे मैंने. तो उसमें भी हाउ यू सिलेक्ट द टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि ये काफ़ी सिंपल है टॉपिक तो सब इसी पे लिखेंगे, तो आई शुड गो फॉर समथिंग एक्सॉटिक. मैंने वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं यूज़ की थी, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जिस टॉपिक पे कंफर्टेबल है. आपको 12 पेजेस लिखने हैं तो यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद दैट टॉपिक. देर इज़ नो पॉइंट इन पिकिंग समथिंग एक्सॉटिक और फिर अगर आप उस पर कुछ लिख नहीं पाए तो क्या फ़ायदा. इसलिए आई वेंट विथ माई स्टैंडर्ड अप्रोच कि जो मुझे टॉपिक समझ में आता है अच्छे से, मैं वही टॉपिक पे ऐसे लिखूंगी. तो ये थी मेरी ऐसे की स्ट्रैटेजी. कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो? 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं. गाइज, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री. देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड स्केड्यूल अ सेशन. These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये toppers आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी book follow करनी है, कौन सा chapter पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. अभी मैं interview phase के बारे में describe करती हूँ. तो mains के बाद मैंने थोड़ा gap लिया था, क्योंकि उस समय में मैं मुंबई से हैदराबाद shift हुई थी, तो थोड़ा gap हो गया था. फिर थोड़ा उस गैप के बाद मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन शुरू कर दी. सो अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 मंथ्स मिले थे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मेरा इंटरव्यू लास्ट में था. इस फेज में, इंटरव्यू फेज में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. अपना जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसमें हर एक वर्ड पे आपको डिस्क्रिप्टिव एकदम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक पेज का कंटेंट प्रिपेयर करके रखना है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम है, तो मेरा नाम का मतलब क्या है और कौन सी फेमस पर्सनालिटीज़ है हैविंग द सेम नेम एज मी. क्या मेरा नाम किसी बुक्स में मेंशन है, जैसे महाभारत में है क्या, या फिर शकुंतल में जैसे प्रियंवदा का मेंशन है उस बुक में. तो मैंने उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ के रखा था. और आप जहाँ जहाँ रहे हैं, जैसे मुंबई हो, मैं मुंबई में रही हूँ, मेरा आई वॉज बॉर्न इन रत्नागिरी, मुंबई में पढ़ी हूँ, सिंगापुर में रही हूँ, तो ये सारे प्लेसेस के बारे में भी मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखनी थी. कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि क्या मुंबई की 3 प्रॉब्लम्स बताओ, और एंड इफ़ यू बिकम एन आईएएस ऑफिसर हाउ विल यू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. तो ऐसे क्वेश्चंस की भी आपको तैयारी करनी है. तो आफ्टर योर डैफ में आपकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखनी है. जैसे मेरे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट और IIM बैंगलोर, तो उनकी रैंकिंग्स क्या है, और क्या ये जो वर्ल्ड रैंकिंग्स है उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज़ का क्या स्टेटस है, और क्या वो सही है, या क्या कर सकते हैं हम इम्प्रूव करने के लिए. ऐसे सारे एस्पेक्ट्स भी लिंक करके आपको कवर करने हैं. दिस इज़ योर डैफ बेस्ड प्रिपरेशन. उसमें हॉबीज़ भी आती हैं. हॉबीज़ जैसे मेरी पोर्ट्रेट स्केचिंग हॉबी थी, और मैं लैंग्वेजेस भी पढ़ी हूँ, जर्मन और स्पेनिश, तो मैंने उसके बारे में भी थोड़ा रिवाइज कर लिया था. इनफैक्ट आई हैड इवन प्रिपेयर्ड कि अगर मुझे बोला गया कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन जर्मन, तो मैं कैसे बोलूँगी, वो सारी प्रिपरेशन मैं करके गई थी. सेकेंड एस्पेक्ट होता है वो है करंट अफेयर्स का. तो करंट अफेयर्स के लिए एक्चुअल इस फेज में मैंने न्यूज़पेपर थरली रीड करना शुरू किया था. सो द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, ये दोनों न्यूज़पेपर्स में अप्रॉक्सीमेटली 2-3 घंटे रोज पढ़ती थी, और मैं इनफैक्ट रिवाइज भी करती थी रात को सोने के पहले कि आज की हेडलाइंस क्या है, क्योंकि मॉक इंटरव्यूज़ में मुझे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और मैं आंसर नहीं कर पाई थी. सो आई वर्क ऑन दैट. मैं दिल्ली गई थी कुछ मॉक इंटरव्यूज़ देने के लिए. मैंने 3-4 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे दिल्ली में, और मैं 25 दिन पहले गई थी मेरे फाइनल इंटरव्यू के पहले, तो मुझे सफिशिएंट टाइम मिला उस फीडबैक पे काम करने के लिए, और एक क्वेश्चन बैंक भी बन गई थी. कई इंस्टीट्यूशंस आपको आपका पर्सनलाइज्ड डैफ बेस्ड क्वेश्चनेयर बना के देते हैं. मैंने कुछ मेंटर्स की भी हेल्प ली थी, जैसे मनीष कुमार सर है जो मेरे कलीग है, उन्होंने हेल्प गाइड किया था बहुत, और महेश भागवत सर है, हैदराबाद में एक IPS ऑफिसर है, उन्होंने भी डैफ बेस्ड क्वेश्चंस दिए थे, और उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे वो करंट अफेयर्स डेली शेयर करते रहते थे, तो वो भी मैं फॉलो करती थी. तो इस तरीके से एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो गई थी. नेक्स्ट IIS का भी गाइडेंस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, वो मैंने ज्वाइन किया था. उसमें कुछ इकोनॉमी के लेक्चर्स वगैरह थे, स्टेट बेस्ड जो लेक्चर्स थे उससे भी मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था. सो इंटरव्यू में आप जितना प्रिपेयर कर सकते हैं अपने डैफ पर और करंट अफेयर्स पे स्पेसिफिकली. जैसे अगर कोई
फॉर एग्जाम्पल हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर किसी कंट्री में जा रहे हैं तो देन यू शुड हैव 2-3 points रेडी कि वॉट वॉज द विजिट अबाउट, उधर क्या डील साइन हुई, ये सारे पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है. और इंटरव्यू हर एक डायमेंशन पे आपको टेस्ट करता है, जैसे आपका डैफ हो या इकोनॉमिक पे, इंडियन इकोनॉमी पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एनवायरनमेंट पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, फिर आपकी सोशल सेंसिटिविटी भी टेस्ट की जाती है. जैसे अगर मैं मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँ तो बिकॉज मेरा फाइनेंशियल सर्विसेज में बैकग्राउंड है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, तो मुझे मेरे कंपनी के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे कि कुछ चेंजेस हुए थे वो क्यों हुए थे, और इंडियन और अमेरिकन रेगुलेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे. उसी को एक्सटेंड करके फिर फाइनेंस में यूनियन बजट के क्या हाइलाइट्स थे. और इंटरव्यू में ये ध्यान रखना है कि अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है. और कई क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो आपको नहीं आते, जैसे मुझे भी इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट मोहम्मद यूनुस सर जो ग्रामीण बैंक के हैं और माइक्रो फाइनेंस के बारे में, तो जितना मुझे पता था उनके बारे में वो मैंने बता दिया. लेकिन एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेटस ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन बांग्लादेश टुडे, तो वो मुझे नहीं पता था, तो मैंने बोला कि इसके बारे में मैं नहीं जानती, मैं पढ़ लूंगी बाद में. तो एक कॉन्फिडेंस वही बनाए रखना है. उसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो अभी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, उसी फ्लो में आपको आंसर करना है. सो इंटरव्यू में ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो देयर इज नो हार्म इन सेइंग आई डोंट नो सर सॉरी एंड आई विल रीड अबाउट इट. ऐसे अगर आप आंसर देते तो ऐसे नहीं है कि आपके पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं. और एक चीज ध्यान रखनी है इंटरव्यू फेज में कि आपको टू द पॉइंट आंसर देने की आदत डालनी है. ऐसे नहीं है कि किसी टॉपिक पे पूछ लिया तो आप बस 5 मिनट बोलते ही चले गए. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो 2-3 points ही आप मेंशन कीजिए और वो टू द पॉइंट बोलिए. जैसे जैसे ही आपको क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को समराइज कीजिए कि अगर आपको पूछा गया कि फार्मर सुसाइड्स क्यों हो रहे हैं महाराष्ट्र में, तो आप ऐसे बोलेंगे कि फार्मर सुसाइड्स के ये रीजंस है, ये 2-3 reasons है, और फिर कंक्लूड कीजिए मुझे लगता है कि ये करने से हम इसको टैकल कर सकते हैं. ऐसे एक पॉजिटिव नोट पे आप आंसर छोड़ दीजिए और फिर जो सेकेंडरी क्वेश्चंस आएंगे उस पे उसे टैकल करते जाइए. लेकिन टू द पॉइंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब इंटरव्यू में जाते हैं तो हमें लगता है कि अरे मैं तो बहुत बोल के आई, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है. क्या आपने आंसर किया है ये ज्यादा जरूरी होता है. तो बस इंटरव्यू में यही ध्यान रखिए और करंट अफेयर्स पे डेली पढ़ते रहिए. आई एम श्योर दैट इट विल बिकम एन ईजी फेज. इसके बाद मैं बस यही कहना चाहूंगी कैंडिडेट्स को कि ये जो प्रिपरेशन है यूपीएससी की, 2 साल की एक लंबी प्रिपरेशन होती है. तो कई फेजेस आते हैं जब आप डीमोटिवेट होते हैं, जब मार्क्स कम आते हैं मॉक टेस्ट्स में. और तो इसमें मैंने अपने फैमिली का सपोर्ट लिया था, तो मुझे मेरी फैमिली मुझे बहुत हेल्प करती थी, मोटिवेट करती थी. जैसे मेरी मॉम का बहुत बड़ा सपना था कि मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊँ, तो वो हमेशा बोलते आई नो यू कैन डू इट, तो वही मेरे लिए काफ़ी था. और मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर भी मुझे बहुत हेल्प करती थी, कभी कभी मेरी सिस्टर ने तो मुझे नोट्स भी बना के दिए थे. मेरा ये था कि मैं मुंबई से प्रिपेयर कर रही थी, तो एक मेरा पीयरलेस स्टडी था. मैं किसी एस्पिरेंट को नहीं जानती थी, ना मैं किसी के साथ मैं अपने नोट्स कंपेयर कर सकती थी या कुछ डिस्कस कर सकती थी. तो आई थिंक माई फैमिली हेल्प्ड मी ब्रिज दैट गैप. और जहाँ तक सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस का सवाल है, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थी. इनफैक्ट एग्जाम के पहले मैं मेरा फ़ोन भी लॉक मोड पे रखती थी, लाइक जैसे 9 to 9 मेरा फ़ोन लॉक रखा था. पेरेंट्स को भी बोल के रखा था कि कुछ अर्जेंट हो तो ही कॉल कर देना, और मैं 9 बजे के बाद फिर सबसे फैमिली के साथ बात करती थी. क्योंकि आई यूज़ टू ट्राई कि मैं जितना टाइम दे सकूँ उस एग्जाम पे फोकस. मैंने अपना जॉब छोड़ा था, तो वो एक रियलाइजेशन हमेशा रहता था कि इतना बड़ा जॉब छोड़ा है तो इसका कुछ करके दिखाना है, इस टाइम को पॉजिटिवली यूटिलाइज करना है. तो जितना भी टाइम हो सके मैं अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 hours देने की कोशिश करती थी ऑन अ डेली बेसिस. कभी कम होता था, कभी ज़्यादा होता था, लेकिन कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करती रही मैं इन 2 सालों में. और मुझे भी यही लगता है कि अगर कैंडिडेट्स एक पॉजिटिव एटीट्यूड से और अपना टाइम मैनेज करके प्रिपरेशन करें तो डेफिनेटली उनको सक्सेस मिलेगा. आप जितनी मेहनत करेंगे उतना सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा. थैंक यू दिल्ली नॉलेज ट्रैक मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, अपना एक्सपीरियंस और जर्नी शेयर करने के लिए. आई होप कि ये एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी.